nostalgic. I missed the screening, of course. But itna acha lag raha hai. Hamari puri team yahan hai. Not puri team, but more or less the primary cast. We're missing Saif and Sanju, of course. But Nati is here, Dada is here, Mr. Chopra is here. So it just feels like, wow, what a reunion, you know, and what a wonderful way to all come back together. I wish I was able to watch the film with all of them, but I couldn't. But koi nahi, we'll watch it again. It's been a beautiful journey. Every day we were doing look tests. Frankly, when I saw her first in an ad, I thought she's a girl for the feature that we're going to make, because we didn't know it was Parinita or whatever. We didn't know anything about it. But I had this thing, yes, she can be very good actor. Now, if I'm telling the story, it will tell the story properly. अच्छा लगता है अभी भी जहाँ मैं जाती हूँ लोग कहते हैं कि आपकी परिणीता हमें बहुत अच्छी लगती है, परिणीता के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप परिणीता में बहुत अच्छी लगी, परिणीता एज अ क्लासिक वगैरह वगैरह. तो उसके बाद बहुत काम किया है, बहुत प्यार मिला है, बहुत प्रशंसा मिली है मेरे काम को, पर परिणीता विल ऑलवेज रिमेन द बिगिनिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी. फिल्म कमाल की है, फिल्म अभी भी समय इतना बीता फिर भी वो फिल्म अभी भी जैसे कहते हैं स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, और वही एक फिल्म का That's the only way a film can be judged. A great film is a film that crosses the test of time. पहले तो 100 साल होने पर मुबारकबाद सब अपनी फिल्म इंडस्ट्री को. यही बोलूंगा कि ऐसे ही बढ़ते चलें और खुश रहें. सबका तुम लोग का भी धंधा चालू रहे, सबका धंधा चालू रहे, सबका पेड़ भरते रहे. ये इंडस्ट्री तुम्हारी है, उसको ऊपर कैसे करने का वो तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए. देखिए, मैंने बहुत टेस्ट लिए और ये सच्ची बात है कि 60 या 65 टेस्ट में ये मुझे गालियां दे रही थी. क्लियर था वो कैमरे में देख के, मैं देख रहा था कि विनोद और फिर वो गालियां जो टीवी पे बोल, मुझे क्लियरली दिख रहा था कि अब ये ऐसी स्टेज में आ गई हैं जहां इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये परिणीता में है या नहीं है. और वो स्टेज पे एक्ट्रेस को आना बहुत जरूरी है, या एक्टर को आना. शी वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज गोइंग टू सी द टेस्ट. और मैं सिर्फ इनसे ये कहूंगा यहाँ कि अगर मैंने वो 60 टेस्ट या 65 टेस्ट नहीं लिए होते तो मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि ये आज यहाँ खड़ी नहीं होती. आई एग्री.